हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुरेश। आज मैं तुमको BS6 के बारे में समझाऊंगा जरा। पेट्रोल और CNG गाड़ी में जो सेंसर का प्रॉब्लम हो रहा है और उसके वजह से कैसे पता चले उसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब उसके अंदर क्या तकलीफ है और उसका कैसे सॉल्व करें उसको। तो उसका ML लाइट, जो भी कुछ गाड़ी में प्रॉब्लम आता है तो ML लाइट चालू हो जाता है, तो ML लाइट चालू हो जाता है तो उसको कैसे ठीक कर सकते उसके बारे में बताऊंगा। हेलो दोस्तों, ये देखो इसका ML लाइट चालू रहता है। ये है ML लाइट, पेट्रोल CNG BS6 ऑटो रिक्शा, और इसका रनिंग में ML लाइट चालू हो जाता है कभी कभी, और नहीं तो कंटिन्यू स्टार्ट करने के बाद भी चालू रहता है ML लाइट। ये देखो अभी मैं स्टार्ट करूँगा, देखो चालू करने के बाद भी ML लाइट चालू है इसका। तो इसे कैसे बंद करें उसके लिए अपने पास ये DNA टूल है, तो इसे इसके मदद से अपन जो कुछ प्रॉब्लम रहेगा सेंसर के अंदर वो अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी मैं जरा ये सॉकेट है, ये सॉकेट इसके प्लग में लगाऊंगा। ये देखो यहाँ पे इसका प्लग है, ये प्लग में लगाऊंगा ये सॉकेट, और ये सॉकेट इसके अंदर लगा देना है और उसके बाद इधर चालू हो जाता है DNA टूल। अब जो भी इसके अंदर प्रॉब्लम है वो चेक कर रहे हैं। इसके लिए अपने को ये चाबी ऑफ करके फिर से चालू करना है, ठीक है। देखो मैं चालू करता हूँ, जैसे चालू करेगा DNA टूल चालू हो जाता है और उधर वो लाइट भी डिस्प्ले पे दिखाने लगता है, और ये देखो अभी इसमें बताएगा क्या प्रॉब्लम है। इंटर दबा के चेक करना है, 2020 का मॉडल है तो, और उसके अंदर कॉम्पैक्ट दिख रहा है दूसरे नंबर पे, उसको इंटर करना है, और BS6 है पेट्रोल CNG तो उसको ऊपर कॉम्पैक्ट CNG पे जाना है। इंटर दबा के BS6 फिर उसको भी इंटर करना है, और रीड कोड में दूसरे नंबर पे जाना है और इसको इंटर करके चेक करना है इसमें क्या प्रॉब्लम है। देखो ये देखो इंजेक्टर किट ओपन, मतलब हिस्ट्री में पहले किसने तो इसका इंजेक्टर ओपन किया था जिधर से गैस पास होता है वो, तो इसको इरेज करना है। तो इरेज करने के लिए इंटर दबा के फिर उसके बाद इरेज नीचे थर्ड नंबर पे, फिर उसके बाद इंटर कर देना है। जैसे इंटर करेंगे तो यस करके फिर इंटर दबा देना है, ठीक है। सर्च हो रहा है, देखो वर्किंग हो रहा है, देखो हो गया। अभी इंटर दबा के बैक कर देना है, यस करके ओके, इंटर दबा दिया फिर से आ गया, देखा। तो अब इसका चाबी ऑफ करना है, और चाबी ऑफ करके सॉकेट निकाल लेना है, ये जो सॉकेट है उसको निकाल लेना है, ठीक है। सॉकेट निकाल लिए, चाबी ऑफ ऑन करना है, अब गाड़ी को स्टार्ट करना है। देखो ML लाइट बंद हो गया क्योंकि इंजेक्टर किसने तो ओपन किया था, इसीलिए उसको इरेज नहीं किया, तो ये लाइट जल रहा था। तो ऐसे ही इसका DNA टूल का काम रहता है, जो भी कुछ प्रॉब्लम रहता है इससे अपन चेक कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी सेंसर में प्रॉब्लम आता है वो सॉल्व किया जाता है इससे DNA टूल से, बिगैर DNA टूल के अपन कुछ कर नहीं सकते। अभी इसका ML लाइट एकदम बंद हो गया है, देख लो डिस्प्ले पे पूरा, गाड़ी चालू है, रेस भी करके दिखा सकता हूँ।
ठीक है। ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक करना और कमेंट में भी बताना मैंने क्या गलती किया है, क्या कुछ आपको नहीं बता पाया तो ज़रूर मुझे बताना। जो भी ये गाड़ी में प्रॉब्लम है सेंसर की वजह से, सेंसर में कुछ भी प्रॉब्लम, वायर कट जाए या कुछ भी हो जाए तो उसके अंदर एमआर लाइट चालू हो जाता है, तो उसका बस यही कारण है उसका जो एमआर लाइट का, तो अपने को बताने के लिए रहता है गाड़ी के अंदर सेंसर का कुछ प्रॉब्लम हुआ है। तो जब भी एमआर लाइट चालू हो जाए तो समझ जाना कुछ सेंसर के अंदर प्रॉब्लम हो गया है, तो ही मेरा एमआर लाइट चालू हो रहा है गाड़ी चालू करने के बाद। और उस गाड़ी चालू करने के बाद एमआर लाइट बंद है तो समझ जाओ सेंसर के अंदर कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और आपको कुछ इसमें प्रॉब्लम लगता रहेगा जैसा कुछ आपके गाड़ी में, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आपके गाड़ी के अंदर कुछ, आपके पास BS6 रिक्शा रहेगा तो मुझे कमेंट में बताना ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं उसका तुमको सोल्यूशन बता दूंगा क्या करना है उसके लिए। और वायरिंग में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है जिससे वायरिंग और ख़राब ना हो जाए। और इसका गाड़ी का बहुत जन का कहना है ये गाड़ी सही नहीं, तो गाड़ी एक नंबर गाड़ी है, इसमें गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अपने गलती की वजह से सॉकेट कोई भी निकालना नहीं है, इसीलिए BS6 है। BS6 में सॉकेट निकालोगे तो एमआर लाइट आपका चालू होएगा। और ये दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो, सब्सक्राइब भी करो, क्योंकि आप लोग के लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ, ठीक है।